सो हेलो गाइस, वेलकम बैक हो चुका है आपका एक बार फिर से न्यू वीडियो में। और आज के दिन मैं बताने वाला हूँ आपको न्यू फाइव डोर थार के चीट्स कोड। यस, आपको बताना होगा और उसको खरीदने भी जाऊंगा मैं। और आपको ये बताना होगा कि हम जीप रेंगलर ले, रूबिकॉन या फिर फाइव डोर थार। एंड यहाँ पे हमारे पास टू डोर थार तो है, बट अभी हम जाने वाले हैं महिंद्रा के शोरूम पे और जाके देखेंगे क्या वहाँ पे न्यू कार आई है जो कि फाइव डोर थार हमारे गेम में लॉन्च कर दी गई है, हमारी सिटी में ला दी गई है। तो जल्दी से लेके चलते हैं हमारी इस गाड़ी को। और उससे पहले मैं जाने वाला हूँ जिम, तो जिम जाने के लिए अपने यहाँ पे कुछ प्रोटीन वोटीन लेने होंगे। तो यहाँ पे पास ही में एक खतरनाक सी शॉप है, पास ही में एक शॉपिंग मॉल है जैसे कि आप सामने देख सकते हो। यहाँ से हमको लेना होगा एक प्रोटीन बॉक्स जो कि मैं काफ़ी छोटा लेने वाला हूँ, अपने बैग में इजीली आ जाए। और उसके बाद जाने वाले हैं हम जिम। तो नाउ जस्ट ये हमारा शॉपिंग मॉल, एंड चलते हैं इसके अंदर से हम बाई कर लेते हैं हमारे लिए प्रोटीन और फिर उसके बाद जाएंगे फाइव डोर थार खरीदने के लिए। तो गाइज यहाँ पे खरीद लिया है हमने प्रोटीन शेक, एंड नाउ हमारा प्रोटीन बॉक्स जो कि उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिया है हमने, छोटा सा बॉक्स लिया है जो कि हमारे 7 या 8 दिन चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं अभी बदल के देख रहा था कि कौन सा वाला राइट है, तो रेगुलर मैं बदलते रहता हूँ, इतनी जल्दी कुछ सूझ नहीं पड़ेगी, बट एक टाइम पे आपको पता लगेगा कि कौन सा वाला बेस्ट है। और अभी जल्दी से चलते हैं हम अपने जिम के लिए। तो वहाँ पे जिम जाने के बाद हम जाएंगे अपनी फाइव डोर थार को ख़रीदने के लिए। और जस्ट ये रहा हमारा जिम। यहाँ से इस सिटी में इतनी पास पास दुकानें हैं ना, कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है भाई, थार लेके निकलो कोई बात नहीं खुल चोड़बाजी में। और अभी जल्दी से चलते हैं हमारे जिम के अंदर और उठाते हैं मशीनें, तोक तोक के जिम करेंगे। आज तो इतना ज़्यादा मोटिवेट होके आए हैं हम घर से, और उसके बाद हम फाइव डोर थार भी लेने जाने वाले हैं। एंड नाउ जस्ट चलते हैं जिम के अंदर। तो गाइज यहाँ पे हो चुका है हमारा जिम और आप देख सकते हो क्या ही खतरनाक सी हमारी बॉडी दिखाई दे रही है। एंड भाई लोगों ने जिम तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना रखा है और वैसे काफ़ी ज़्यादा मस्त जिम है। चलते हैं अभी हमारी गाड़ी में बैठकर हमारी फाइव डोर थार लेने के लिए। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि महिंद्रा वाले के शोरूम पे पता नहीं कैसे ही फाइव डोर थार आ गई भाई साहब। और आप बताओ यदि आप हमारे लिए यानी अपने लिए एक फैमिली कार लेना चाहते हो तो कौन सी कार बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे मुझे तो फाइव डोर थार ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगेगी फिर तो। और ये आ जाए तो भाई मार्केट में तबाही मच जाएगी। और चलते हैं जल्दी से हमारे गेम के हमारे शोरूम के अंदर। और वहाँ पे महिंद्रा वालों ने काफ़ी ज़्यादा सही काम किया है और फाइव डोर थार को लाकर। तो गाइज मैं अपनी थार को लेकर पहुंच चुका हूँ जगह पे जहाँ पे हमारा महिंद्रा वालों का शोरूम भाई साहब काफ़ी ज़्यादा सही ड्रिफ्ट। और यहाँ पर तो देखने में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि वो फाइव डोर वाली थार इस गेट के शोरूम की पार्किंग में होगी। तो यहाँ पे ये कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं और यहाँ पे ब्लैक थार, रेड थार, वाइट थार और थार के तीनों मॉडल इन भाई के पास उपलब्ध है। और यहाँ पे रेड, वाइट, ब्लैक एंड बॉय स्कॉर्पियो, क्या ही मस्त सी लग रही है यार। मैं तो सोच रहा हूँ फाइव डोर थार छोड़ते स्कॉर्पियो उठा के ले चलते। और हमको फैमिली कार चाहिए थी इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जस्ट देखते हैं यहाँ पे पीछे क्या भाई पार्किंग में। और अब तेरी बुगाटी से आया भाई ये बंदा। गाइस यहाँ पे दो दो बुगाट्टी है जो कि मुझे नहीं लगता ये जो शोरूम में दो ओनर का होगा, दोनों के पास बुगाट्टी। और मुझे लगता है ये गाड़ी जो उसके सन की होगी। तो भाई साहब H2R लेके घूमता है उसका लड़का। और जल्दी से चलते हैं, हमको यहाँ पे फाइव डोर थार कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही हमको एक बुगाट ये गाड़ी पसंद आ चुकी है जो कि महिंद्रा वालों की स्कॉर्पियो ब्लैक कलर में भाई क्या ही मस्त। और यहाँ पे अभी हम अपने बैग को रखते हैं इस प्रोटीन शेक प्रोटीन बॉक्स के डब्बे को रखते हैं हमारी थार के अंदर और पेमेंट को निकालते हैं इसके अंदर से, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एंड नाउ यहाँ पर रख देते हैं। तो गाइज यहाँ पे रख दिया हमने प्रोटीन के बॉक्स के बैग को इसके अंदर और यहाँ पे निकाल लिया है मनी वाले बैग को हमने। और जस्ट लेके चलते हैं इसको भाई साहब क्या ही सही। एंड यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है फेसो का बैग जो कि अभी मैं जिम गया था तो गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया था मैंने। और पेमेंट करते हैं इस कार की।
तो गाइस यहाँ पे हमारी ब्लैक स्कॉर्पियो की पेमेंट हो चुकी है और हमने यहाँ पे एक छोटी सी डील की है, जो कि हमने इस बंदे से बोल दिया है कि हम अपनी थार को यहीं पार्किंग के अंदर रख के जा रहे हैं, जो कि तुम्हें करना है इसके डोर को 5 डोर कन्वर्ट, और जिसके लिए आपको जितने पैसे चाहिए उतने ले लेना, बट इस गाड़ी को कर देना 5 डोर में कन्वर्ट और फिर बाद में लेके हम आ जाएंगे। और अभी लेके चलते हम अपनी स्कॉर्पियो को न्यू वाली, और जो कि अभी भाई साहब हमें मिली गई, आई डोंट नो या फिर कैसे ही मिल चुकी है हमको, या हमको इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है इस गाड़ी के लिए। भाई इतनी डिमांड है ना इस सिटी में इस गाड़ी की, ओ भाई काफी खतरनाक है ना। अभी जस्ट चलते हैं हम अपनी गाड़ी के पास, जो ब्लैक स्कॉर्पियो काफी ज्यादा सही यहीं पे रखी थी, जो कि है भाई साहब मस्त। एंड इसका जो मेन डोर है वो इधर है, तो बैठते इसके अंदर भाई स्टेयरिंग व्हील की तरफ से। एंड काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है यार देखने में। तो मेरे पास एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी, बट वो उतनी ज़्यादा मस्त नहीं लग रही थी पहले, वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी हो गई थी, तो मैंने उसको बेच डाली, वैसे आपको पता होगा। और काफ़ी ज़्यादा सही इंटीरियर है इसका देखने में, तो भाई भाई क्या ही मस्त। एंड लेके चलते हैं जल्दी से घर पे और इसको हमारी फैमिली वाले को दिखाते हैं कि हमने न्यू कार ली है, और भाई इसकी वो पूजा वूजा करेंगे और काफ़ी ज़्यादा सही। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई चीट कोड नहीं है 5 डोर का। अबे यार बची गई, अबे गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारा लॉस हो चुका है, हमने गाड़ी को शोरूम से निकाला ही था भाई, वो भी S11 स्कॉर्पियो की, और यहाँ पे एक लड़की से हमने गाड़ी लाके भड़ी दी और वो लड़की इस गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। एंड पता नहीं उसको एम्बुलेंस पता नहीं कैसे करके ले गई है। और आज के लिए बस इतना ही, और हाँ मैं आपको बताने वाला था कुछ स्पेशल चीट्स कोड जो आपको शायद पता होगा। एंड यहाँ पे हमारी फेवरेट बुलेट का चीट्स कोड आ चुका है, जो कि यहाँ पे 4x9999, और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मस्त। और 5 डोर को कन्वर्ट करने के, हमने अपनी थार को 5 डोर कन्वर्ट करने के लिए दे दिया है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो बंदा हमारी थार को 5 डोर में कन्वर्ट करता है तो कैसी दिखाई देती है, या फिर हमको जीप रेंगलर ही लेनी पड़ेगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।